फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार योगी। आज का अपना टॉपिक रहेगा माइक्रो इंस्ट्रूमेंट फॉर न्यूरोसर्जरी, कि न्यूरोसर्जरी के दौरान अपन कौन कौन से माइक्रो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और उनका उपयोग क्या है, और जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अपने को सर्जन को किस प्रकार देना है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूरोसर्जरी के अंदर माइक्रो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स रखते हैं। आप देख सकते हैं दो ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स स्मॉल टिप वाली। ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स हम दो प्रकार रखते हैं, एक तो टूथ वाला, एक ब्लंट वाला। आप देख सकते हैं ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स है, लेकिन टूथ वाला है। देख सकते हैं आप इसके अंदर टूथ है, आप देखिए यहाँ पे टूथ होंगे। ठीक है, लेकिन ट्यूमर होल्डिंग जो फोर्सेप्स है इसको देने का तरीका देखिए, ये बिल्कुल दिस इज वे राइट। आपको सर्जन को हमेशा जो ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स रहेगा हमेशा इस प्रकार देना है। ठीक है, आप इमेज देख रहे होंगे कि बिल्कुल दिस इज राइट वे टू होल्ड ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स। दिस इज इस प्रकार ये रॉन्ग वे है, ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन है। ठीक है, ये गलत डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। आपको ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स है इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे देना है। दिस इज वन ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स एंड टूथ वाला है, देखें टूथ है। इसके साथ ही हम ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स एक और रखते हैं जो ब्लंट है, जिसके ब्लंट का मतलब यह है कि आगे टूथ नहीं है। ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स को कस्प भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं कस्प। इसको इसलिए बोलते हैं कि जो इसका जो आगे का टिप होता है बिल्कुल कप की तरह होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कप की तरह टिप आगे का, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कप साइज। कप के आगे की तरफ टूथ होगा तो उसको टूथ वाला ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स बोलेंगे, यदि टूथ नहीं होगा तो उसको ब्लंट या नॉन टूथ ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेस बोलेंगे। देख सकते हैं आप, दिस इज राइट वे, देने का सबसे सही तरीका ये रहेगा। आप देख रहे होंगे ये जो तरीका है ये रॉन्ग वे है, दिस इज रॉन्ग, राइट वे ये, आप देख रहे होंगे। इसके बाद हम रखते हैं माइक्रो बायनेट। ठीक है, देख रहे होंगे ये बायनेट है, इमेज देख सकते हैं आप, दिस इज वन माइक्रो बायनेट। देखो माइक्रो बायनेट का जो लास्ट वाला टिप होता है बिल्कुल शार्प होता है, आप देख रहे हो बिल्कुल शार्प है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर जो क्रिनेटोमी सेट का जो वीडियो था मैंने उसमें बायनेट के बारे में बताया होगा, लेकिन जो उसमें जो क्रिनेटोमी सेट के अंदर जो बायनेट होगा वो ब्रॉड वाला होगा, आप देख सकते हैं। देखो ये जो क्रिनेटोमी सेट वाला मेरे पास बायनेट में आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल ब्रॉड वाला है, आगे से टिप देखिए इसका ब्रॉड है। ठीक है, लेकिन ये दिस इज वन फाइन टिप, इन माइक्रो सेट के अंदर फाइन टिप वाला बायोनेट रहेगा, लेकिन दिस माइक्रो बायोनेट का भी वही तरीका है जो ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स का था। ये इसकी राइट इमेज है, देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसको देने का तरीका भी यही रहेगा, आपको इसको ऐसे होल्ड करके ऐसे देना है, माइक्रो बायोनेट को कभी भी ऐसे नहीं देना, ये रॉन्ग वे है, ये दिस इज वन रॉन्ग वे। आपको देना है इस प्रकार से पकड़ के, आप देख सकते हैं, देखिए ये दिस इज वन राइट वे। हम दो माइक्रो बायोनेट रखते हैं माइक्रो सेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम सीजर रखते हैं, टू लॉन्ग माइक्रो सीजर हम माइक्रो सेट के अंदर रखते हैं, आप देख सकते हैं दिस इज वन माइक्रो सीजर, लॉन्ग माइक्रो सीजर कर्व, एक कर्व वाला आप देख सकते हैं, दिस इज वन माइक्रो सीजर। ठीक है, ये देखिए माइक्रो सीजर है, एक कर्व है, देख सकते हैं आप, देखिए कर्व है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कर्व है, ऐसा कर्व है, दिस इज वन कर्व वाला। माइक्रो सीजर को देने का तरीका भी कहते हैं ये बिल्कुल सही तरीका, राइट वे, इसको भी ऐसे पकड़ के ऐसे देना है। ठीक है, इसको ऐसे, दिस इज रॉन्ग वे, ये उल्टा तरीका हो जाएगा, आप ऐसे माइक्रो सीजर को होल्ड करोगे तो ये उल्टा हुआ तरीका है, दिस इज रॉन्ग वे। आपको माइक्रो सीजर को सिंपली देखिए आप ऐसे पकड़ना है, उस सर्जन के हाथ में ऐसे देना है, दिस इज राइट वे। इसके अलावा सेकेंड वन माइक्रो सीजर है हमारे पास लॉन्ग, दिस इज वन माइक्रो लॉन्ग माइक्रो सीजर है, लेकिन स्ट्रेट बिल्कुल सीधा वाला है, इससे पहले वाला कर्व वाला था, बिल्कुल सीधा देखिए, बिल्कुल सीजर कट्टी बिल्कुल सीधा है इसका। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, इसको भी देने का तरीका ऐसे रहेगा, देखो आपको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे देना है, दिस इज वन राइट वे। देखिए ये माइक्रो सीजर है, आप इसको ऐसे होल्ड कीजिए, इसको ऐसे भी ऐसे ही देना है, याद रहे गलती कभी नहीं करना। फिर बोल रहा हूँ ये है रॉन्ग तरीका है, आप देख रहे होंगे दिस इज वन रॉन्ग तरीका, दिस इज वन रॉन्ग वे। ठीक है, रॉन्ग तरीका है आपका ये देने का सर्जन को, ये रॉन्ग वे है देने का तरीका, आपको हमेशा इसको ऐसे होल्ड करके ऐसे देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास
हमारे पास होता है माइक्रो डिसेक्टर, देख सकते हैं माइक्रो डिसेक्टर है, माइक्रो डिसेक्टर स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग, आप देख रहे होंगे दिस इज वन माइक्रो डिसेक्टर, स्ट्रेंथ है बिल्कुल लंबा और लॉन्ग है, दिस इज वन माइक्रो डिसेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा सेमीज नाइफ, आप देख सकते हो दिस इज वन सेमीज नाइफ, तो सेमीज नाइफ का आपकी पहचान इस प्रकार होगी, इसको उसका टिप होगा बिल्कुल नाइफ की तरह साफ होगा, वो थोड़ा घुमा हुआ रहेगा, आप देख रहे होंगे बिल्कुल इमेज देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये टिप इसका ऐसे घुमा हुआ है और बिल्कुल शार्प रहेगा, मतलब एक नाइफ की तरह, नाइफ की तरह बिल्कुल शार्प रहेगा, दिस इज वन ए, इसको सेमीज नाइफ बोलेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट वन है हम माइक्रो जो इंस्ट्रूमेंट सेट है इसके अंदर चार नंबर का डिसेक्टर भी रखते हैं नॉर्मली, देख सकते हैं आप दिस इज वन फोर नंबर डिसेक्टर, जो फोर नंबर जो डिसेक्टर रहेगा ये नॉर्मली हम क्रोनोटो में सेट करने पर रखते हैं, इसका जो टिप रहेगा बिल्कुल ब्रॉड रहेगा, देख सकते हैं आप ब्रॉड टिप इसका, दिस इज वन फोर नंबर डिसेक्टर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं शार्प हुक, दिस इज वन शार्प हुक, देख सकते हैं आप ये शार्प हुक है, इसके आगे का टिप हुक की तरह है, देखिए बिल्कुल 90 एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पर देख सकते हैं आप, हुक बिल्कुल हुक की तरह है, हुक जो हुक होता है ना उसकी तरह है बिल्कुल शेप है इसका, आप देख रहे होंगे दिस इज नोन एज शार्प हुक, ठीक है। इसके अलावा हम रखते हैं कर्व डिसेक्टर रखते हैं, माइक्रो कर्व डिसेक्टर आप देख सकते हैं, दिस इज वन माइक्रो डिसेक्टर लेकिन कर्व वाला देख सकते हैं, कर्व है देखेंगे यहाँ पे कर्व, देखो दिस इज वन ये वाला जो डिसेक्टर आप देख रहे होंगे ये भी माइक्रो डिसेक्टर है लेकिन स्ट्रेट है बिल्कुल सीधा वाला है, इसमें हल्का सा कर्व है, लेकिन जो कर्व माइक्रो डिसेक्टर है उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कर्व, देखो कितना कर्व है, देख रहे होंगे आप ये वाला कर्व, ठीक है। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं दिस इज वन बल्ब हुक, देख रहे होंगे आप, देखो बल्ब हुक को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि जो उसके टिप है उस पर बल्ब बना हुआ है, आप देख रहे होंगे जो उसका जो टिप है, देखिए इसका जो टिप है देखिए यहाँ पर बल्ब बना हुआ है, देख रहे होंगे आप जो उसका टिप है ना यहाँ पे बल्ब बना हुआ है, दिस इज बल्ब हुक, बल्ब हुक का बल्ब हुक, बल्ब हुक को दूसरा नाम इसको जैकोब्सन बोलते हैं, याद रहे बल्ब हुक को जैकोब्सन भी बोलते हैं। बल्ब हुक को पहचानने का सबसे आसान और इजी वे, ध्यान से सुनिए, देख रहे होंगे आप दिस इज वन बल्ब हुक, ये इसका जो टिप है बिल्कुल बल्ब की तरह आप देख रहे होंगे बल्ब, दिस इज वन बल्ब हुक, बल्ब हुक को अपन जैकोब्सन भी कहते हैं, ठीक है, याद रहे बल्ब हुक आल्सो नोन एज जैकोब्सन, ठीक है। इसके बाद क्रोनोटोमी सेट के अंदर हम क्या रखते हैं कि माइक्रो सीजर रखते हैं, दो सीधे सीधा माइक्रो स्ट्रेट टू स्ट्रेट माइक्रो सीजर देख सकते हैं आप, दिस इज वन माइक्रो सीजर, माइक्रो स्ट्रेंथ, ठीक है, देख सकते हैं लेंथ देखिए, दिस इज वन माइक्रो स्ट्रेट है, साइज शॉर्ट स्मॉल, ठीक है टू देख सकते हैं आप, टू स्मॉल माइक्रो सीजर, ठीक सकते हैं आप बोलेंगे इससे पहले भी मैंने दो आपको माइक्रो सीजर बताया था, लेकिन ध्यान रहे वो जो दो माइक्रो सीजर थी वो भी माइक्रो सीजर ही है लेकिन लॉन्ग वाली थी, मतलब कि उसका जो पकड़ने वाला जो हैंड पीस था वो लॉन्ग था, आप देख सकते हैं दिस इज वन लॉन्ग माइक्रो सीजर, माइक्रो सीजर ही है लेकिन लॉन्ग है देख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल माइक्रो सीजर आप देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन हम रखते हैं फ्लैट फुट, दिस इज वन फ्लैट फुट, माइक्रो जो इंस्ट्रूमेंट सेट है उसके अंदर हम एक फ्लैट फुट रखते हैं, तो फ्लैट फुट को पहचानने का सबसे इजी वे क्या रहेगा, जो उसका जो लास्ट वाला टिप रहेगा बिल्कुल फुट की तरह रहेगा, देख सकते हैं आप बिल्कुल मोड़ा हुआ फुट की तरह देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ का जो टिप है इसका बिल्कुल फुट जो अपना पैर होता है ना उसकी तरह है, देख सकते हैं आप, देखिए फ्लैट फुट, दिस इज नोन एज फ्लैट फुट, देख रहे होंगे इसके इमेज आप, ये फ्लैट फुट है, ठीक है। इसके अलावा हम बुलडॉग क्लैंप रखते हैं, जनरली तीन बुलडॉग क्लैंप रखते हैं माइक्रो इंस्ट्रूमेंट सेट के अंदर, आप देख रहे होंगे दिस इज नोन एज बुलडॉग क्लैंप, ये बुलडॉग क्लैंप क्या होती है, आर्टरी या वेन, आर्टरी या वेन को क्लैंप करने के लिए काम आती है, आप देख सकते हैं, देखिए दिस इज वन बुलडॉग, आप देख रहे होंगे जो अभी मेरे पास दोनों है ये दोनों बुलडॉग है, देख रहे आप दिस इज वन बुलडॉग, बुलडॉग का उपयोग आर्टरी या फिर वेन उन दोनों को क्लैंप करने के लिए काम आता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे अभी मैंने डिसेक्टर बताया, जितने भी जो डिसेक्टर है जो न्यूरोसर्जरी के अंदर डिसेक्टर
क्या करते हैं, ट्यूमर को सेपरेट करने के लिए या ब्लड वेसल्स को सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं, माइक्रोसीजर वगैरह को ट्यूमर को कट करने के लिए काम में लेते हैं, एंड इसके अलावा बायनेट, बायनेट के बारे में आपको बताया मैंने, मैंने डिफरेंस बताया आपको माइक्रो बायनेट के बारे में, जनरल बायनेट के बारे में, साथ ही ट्यूमर होल्डिंग फोर्सेप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड मेडिकल साइंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।